पिछले 5 साल से थाने के चक्कर लगा रही है। महिला ने कहा है कि कुछ अज्ञात लोग उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसका पीछा भी करते हैं। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि आरोपी महिला की बेटी के साथ भी बदतमीजी की गई, जिसकी वजह से महिला को अपनी बेटी को वापस नॉर्वे भेजना पड़ा। महिला ने अपनी जान को खतरा बताते हुए इंसाफ नहीं मिलने पर आत्महत्या की धमकी दी है। यहाँ आज इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे गूंस लगे हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पॉलिटिशियन बदमाश लगे हैं और कुछ पॉलिटिशियंस मुझे लग रहा है के साथ है, पुलिस उनके साथ है। कोई एक्शन 5 साल से एक भी गूंज नहीं पकड़ा तो मैं आत्महत्या कर लूँ और मैं बस कोई मैं थक चुकी हूँ। मैं अब और तकलीफ नहीं उठा सकती। मेरे को एक ही रास्ता कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ पे अपने आप को आग लगा दूँ। इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है जो थाना सूरजपुर से संबंधित है। इस बारे में थाना प्रभारी सूरजपुर को बता दिया गया है कि इसकी जाकर स्वयं जाकर के गहनता से जांच करें और इस संबंध में यदि कोई आपराधिक कुछ अपराध घटा है तो जो भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और महिला की समस्या का समाधान। मेरे सामने ये शिकायत प्रथम बार अभी आई है। इस बारे में मैं पीछे भी जाकर देखूंगा, यदि पूर्व में भी इस बारे में शिकायत करी गई है तो उसकी जांच की जाएगी और अगर इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं करी गई थी तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी।